तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं ट्रेन अपडेट न्यूज़ चैनल। आज मैं आपको गोरखपुर बांद्रा के मध्य चलने वाली गोरखपुर बांद्रा सुपरफास्ट अंत्योदय ट्रेन के बारे में बताऊंगा, जिसका संचालन रेलवे पुनः शुरू करने जा रहा है। देखिए ये ट्रेन वाया कोटा, मथुरा, कासगंज, फर्रुखाबाद के रास्ते चलती है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर नोटिस दिया गया, ट्रेन नंबर 09033 और 09034 बांदा टर्मिनल गोरखपुर बांदा टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस अंत्योदय, ये गाड़ी वीकली चलती है। देखिए ये गाड़ी बांदा टर्मिनल से 27 जनवरी से चलना प्रारंभ हो जाएगी। दिन रहता है इसका संडे यानी रविवार को बांदा टर्मिनल से चलती है। ट्रेन नंबर रहेगा 09033। जब गाड़ी गोरखपुर से चलेगी तो ट्रेन नंबर रहेगा 09034। गोरखपुर से यह गाड़ी मंगलवार को चलती है। 19 जनवरी से चलना प्रारंभ हो जाएगी यह गाड़ी। ये गाड़ी फुल्ली जनरल है, कोच हैं इसमें 20 के 20 जनरल कोच लगाएंगे। ये ट्रेन LHB कोचों के साथ चल रही है। जी हाँ, ये ट्रेन अब LHB कोचों के साथ चलेगी। इस ट्रेन की बुकिंग 15 जनवरी को सुबह 8 बजे से ओपन हो जाएगी। इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग 15 जनवरी को सुबह 8 बजे से ओपन हो जाएंगी। आई मैं अब आपको इसकी नई टाइम टेबल बता देता हूँ, ये किस टाइम पर कहाँ से कहाँ तक चलेगी। देखिए बांद्रा टर्मिनल, आइए इसकी हम नया टाइम टेबल देखते हैं। देखिए बांद्रा टर्मिनल से 5:10 बजे सुबह चलती है यानी संडे को। बोरीवली 5:30, 7:10 वापिस। सूरत 8:32, 10:26 पर बड़ौदा जंक्शन। रतलाम 2:30 पर कोटा जंक्शन 6:10 पर। कोटा के बाद सीधे नौ स्टॉप चलती है, भरतपुर जंक्शन रुकती है 9:45 पर। 10:40 पर अश्नीर आएगी, यहाँ पर इसका इंजन चेंज होता है। इसके बाद यह गाड़ी मथुरा जंक्शन आती है रात के 12:05 पर, 5 मिनट का स्टॉपेज है। कासगंज 1:55 पर। फरुखाबाद 3:25 पर, 7:05 पर। कानपुर सेंटर लखनऊ 4 बाग जाती है 9:10 पर। गोंडा जंक्शन पहुँचती है 11:20 पर। बलरामपुर पहुँचती है 12:21 पर। 1:42 पर पहुँचा करेगी सिद्धार्थ नगर, 2:15 पर आनंद नगर और 3:45 पर गोरखपुर पहुँचा करेगी। वासी में जब यह गाड़ी गोरखपुर से चली तो इसके चलने का समय 3:25 का रात का देख सकते हैं। 4:08 पर आनंद नगर, सिद्धार्थ नगर 4:35 पर, 6:06 पर आकर बलरामपुर, 7:10 पर गोंडा, लखनऊ 4 बाग आएगी 7:10, कानपुर सेंटर 12:15 पर, फरुखाबाद 3:13 पर आकरेगी। कासगंज देख सकते हैं शाम को 5:05 पर। मथुरा जंक्शन शाम के 5:20 पर। 8:10 पर कास अचनेरा पहुँचेगी। भरतपुर 9:18 पर। कोटा जंक्शन रात के 12:10 पर। सुबह 4 बजे रतलाम पहुँच जाएगी। बड़ोदरा 8:08 पर। 10:17 पर सूरत, वापी 11:40, बोरीवली 1:33 और 2:25 पर बांद्रा टर्मिनल पहुँच जाएगी। ये बड़ी अपडेट है कि रेलवे गोरखपुर बांदा और अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन पुनः शुरू करने जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ट्रेन संबंधी अन्य किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग 15 जनवरी से ओपन हो रही है और यह ट्रेन 17 जनवरी से बांद्रा से गोरखपुर से 19 जनवरी से चलना प्रारंभ हो जाएगी। इस ट्रेन में आप बुकिंग करा करके ही सफ़र कर सकते हैं। तो ये ट्रेन थी गोरखपुर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब मैं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ट्रेनों संबंधी किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।